क्या पता है, वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, बट उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना, चल जाता है। तो सीन ये है कि अभी जो आप लोग वीडियो देखने वाले हो ये है 15 दिन पहले का। अब वीडियो क्यों लेट हुआ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए न्यू ईयर वाला, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो चलिए, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो क्या हाल है आप सभी के, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सर आज है 31st of December, अभी बज रहे हैं 12 बज गए, तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग अभी जा रहे हैं सेंटर, सुबह से मैं बिजी था इसलिए आज मैं ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं किया, अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। 12 बज गए हैं अभी और सेंटर जा रहे हैं। ज़्यादा फंक्शंस की आवाज़ नहीं आ रही है, पिछले साल बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था, इस साल आपको पता ही है कोरोना की वजह से सारा चीज़ बंद है, और हम लोग ऐसे ही बस ऐसे राउंड मारने जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, हमें भी पता है, बस थोड़े थोड़े फायरवर्क्स जो होंगे वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा। और प्लान तो हमारा ऐसे भी नहीं था, वो तो मैं बोला कि चलो एक राउंड मार के आते हैं, आप लोगों को भी दिखा देंगे। तो बस अभी जाते हैं सेंटर, सेंटर पहुँचता हूँ, वहाँ आप लोगों को जो भी माहौल होगा वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वहाँ पहुँच के, ठीक है? तो मिलता हूँ आपसे सेंटर पर। सर अभी हम लोग आए हैं सेंटर और यहाँ पर पिछले साल की तरह तो ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं हो रहा है, बट वो छोटा मोटा फंक्शन हो रहा है। पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जितने सारे लोग हैं ये सब अभी यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले साल बहुत अच्छा कंसर्ट हुआ था और अभी तो बस यहाँ पर जो क्रिसमस ट्री के पास खड़ा हूँ मैं, और यहाँ पर बस अभी डांस चल रहा है, कुछ और चल रहा है, फायरवर्क्स हो रहे हैं, तो उतना ज़्यादा जो फंक्शन वगैरह होता है वो सारा चीज़ नहीं हो रहा है, ऐसे नॉर्मल मना रहे हैं। सारे लोग अभी घर से यहाँ पर आए हैं, अभी सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं। और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, बट 2020 जो सबका गया है वो बहुत खराब गया है, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी गया। तो यहाँ का आप लोगों को सीन दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने को, तो फिर सीधा मिलता हूँ आपसे घर। ट्वेंटी द ईयर दैट हैव चेंज्ड एवरीथिंग। तो आइए 2020 के कुछ पल साथ मिलकर याद करें। तो 2020 कुछ ऐसा आया अपने साथ, ये बहुत सारी नई चीज़ें लाया, इस साल बहुत सी चीज़ें बदली, पता नहीं कितनों के घर उजड़ गए, कितनों की जीने की इच्छा ख़त्म हो गई, बहुत से ट्रेजेडी हुए, और ये साल बस ऐसे ही चलता गया। हाँ माना बहुत की इसने जाने तो ली, मगर कईयों को इसने जीना भी सिखाया। 2020 में कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ पाया है, किसी ने कुछ सीखा है, तो किसी ने कुछ अपनाया है, किसी को लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चली, तो किसी ने लाइफ में अपना इम्पोर्टेंस बताया है। अब क्या कहें, कुछ अपने पराए हो गए और कुछ पराए अपने हो गए। किसी के लिए ये साल अच्छा था, किसी के लिए ये साल बुरा था, लेकिन 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिखाया है और बहुत कुछ समझाया है। ये थी मेरी फीलिंग्स जो मैंने फील की इस साल के लिए, मेरी स्टोरी। हाँ जी आ गए, आ जाओ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वीडियो लेट क्यों हुआ। वीडियो इसलिए लेट हुआ कि हम लोग गए थे ट्रिप पे, ठीक है? अब कुछ लोग पूछेंगे भाई ट्रिप में कहाँ गए थे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, नीचे मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, यहाँ पर जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर पहले अपडेट्स आ जाते हैं यूट्यूब से।
सो हम लोग गए थे ट्रिप पे और ट्रिप की वजह से वीडियो जो है वो लेट हो गया, ठीक है। ट्रिप में गए थे, ट्रिप में हुई है भाई फुल ऑन मस्ती, ठीक है। उसके भी ब्लॉग्स आएंगे, उसके वीडियोज आएंगे, टेंशन ना लो, सारा चीज़ दिखाएंगे आपको। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पिछले साल न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट हुआ था। तो रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया कि वीडियो क्यों लेट हुआ, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। थोड़ा मैनेज कर लेना यार, चलता है आगे पीछे, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए कि पिछले साल जो है न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट हुआ था। उसके बाद मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इन्जॉय करिए। जैसा भी माहौल था आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा ही है, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारे करने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। हम लोग ड्रिंक भी नहीं करते, डांस करने का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, बहुत भीड़ हो रहा है, तो इन्फेक्शन यू नो कोरोना हो सकता है। मैंने मास्क लगाया हुआ था, वीडियो बनाने के लिए सिर्फ मास्क लगाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कहाँ से घूम के आए हैं, कैसे लोग हैं, उनका कॉन्टैक्ट कहाँ हुआ है। और जो लोग ऐसे अभी बहुत पार्टी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बोलूँगा यार कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो ज़्यादा आप पार्टी में ना जाइए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि अगर आप रहोगे तो आगे पार्टी कर सकते हो, अगर आप नहीं रहोगे तो दूसरों को पार्टी मिल जाएगी, ठीक है। जोक था, ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना, कुछ लोग कमेंट करते हैं तो उनके लिए। सो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।